हाय गाइस, मैं श्रेया स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे वैदिक सभ्यता का भाग 3। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लें। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न। प्रश्न नंबर 51, वैदिक धर्म का मुख्य लक्ष्य इनमें से किसकी उपासना करना था? आपके ऑप्शन ए प्रकृति, बी पशुपति, सी देवी माता, डी त्रिमूर्ति। आपके उत्तर ए प्रकृति। प्रश्न नंबर 52, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सोम। आपके उत्तर ए इंद्र। प्रश्न नंबर 53, शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? आपके ऑप्शन ए ज्यामिति, बी ज्योतिष, सी गणित, डी खगोल। आपके उत्तर ए ज्यामिति। प्रश्न नंबर 54, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतगमय कहां से लिया गया है? आपके ऑप्शन ए उपनिषद, बी वेदांग, सी महाकाव्य, डी पुराण। आपके उत्तर ए उपनिषद। प्रश्न नंबर 55, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? आपके ऑप्शन ए समातट पे, बी प्राग ज्योतिष में, सी पंजाब में, डी पांचाल में। आपके उत्तर सी पंजाब में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 वेद, सूची 2 यज्ञकर्ता। ए ऋग्वेद होता या होत्री, बी यजुर्वेद, अर्धवर्यु, सी सामवेद, उद्गात्रा या उद्गात्री, डी अथर्ववेद, ब्रह्मा। आपके उत्तर ए ऋग्वेद के अध्ययनकर्ता या यज्ञकर्ता को होता या होत्री कहते हैं, बी यजुर्वेद के अध्ययनकर्ता को अर्धवर्यु कहते हैं, सी सामवेद के अध्ययनकर्ता या यज्ञकर्ता को उद्गाता या उद्गात्री कहते हैं, डी अथर्ववेद के अध्ययनकर्ता को ब्रह्मा कहते हैं। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? आपके ऑप्शन ए सांख्य, बी विशेषिक, सी मीमांसा, डी योग। आपके उत्तर ए सांख्य। प्रश्न नंबर 58, वैदिक युगीन सभा क्या है? आपके ऑप्शन ए गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, बी राज दरबार होता था, सी मंत्रिपरिषद थी, डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। आपके उत्तर सी मंत्रिपरिषद थी। प्रश्न नंबर 59, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? आपके ऑप्शन ए निरंकुश, बी प्रजातंत्र मानकर, सी गणतंत्र,
डी वंशानुगत राजतंत्र। आपके उत्तर सी गणतंत्र। प्रश्न नंबर 60। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन छह भिन्न भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। आपके ऑप्शन ए वैदिक युग में, बी गुप्त युग में, सी कुषाण युग में, डी मौर्य युग में। आपके उत्तर ए वैदिक युग में। प्रश्न नंबर 61 सुमेलित कीजिए। सूची 1 उपवेद, सूची 2 संबंधित वेद। ए आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है, बी धनुर्वेद यजुर्वेद के से संबंधित है, सी गंधर्व वेद सामवेद से संबंधित है, डी शिल्पवेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद से संबंधित है। आपके उत्तर ए ए आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है, बी धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है, सी गंधर्ववेद सामवेद से संबंधित है, डी शिल्पवेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद से संबंधित है। प्रश्न नंबर 62 किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। आपके ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। आपके उत्तर डी अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 63 आर्य शब्द इंगित करता है। आपके ऑप्शन ए नृजाति समूह को, बी यायावरी जन को, सी भाषा समूह को, डी श्रेष्ठ वंश को। आपके उत्तर डी श्रेष्ठ वंश को। प्रश्न नंबर 64 गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। आपके ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी महाकाव्य काल में, डी सूत्र काल में। आपके उत्तर ए ऋग्वैदिक काल में। प्रश्न नंबर 65 वैदिक युग में यव को क्या कहा जाता था। आपके ऑप्शन ए गेहूं, बी जव, सी चावल, डी इनमें से कोई नहीं। आपके उत्तर बी जव। प्रश्न नंबर 66 ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। आपके ऑप्शन ए चावल, बी गेहूं, सी जौ, डी कपास। आपके उत्तर ए चावल। प्रश्न नंबर 67 ऋग्वेद के किन छह मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। आपके ऑप्शन ए दूसरे मंडल से सातवें मंडल तक, बी पहले मंडल से छठे मंडल तक, सी तीसरे मंडल से आठवें मंडल तक, डी चौथे मंडल से नौवें मंडल तक। आपके उत्तर ए दूसरे मंडल से सातवें मंडल तक। प्रश्न नंबर 68 भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। आपके ऑप्शन ए ग्रीकों द्वारा, बी शकों द्वारा, सी पार्थियनों द्वारा, डी मुगलों द्वारा। आपके उत्तर ए ग्रीकों द्वारा।
यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। प्रश्न नंबर 69। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन ए शतमान, बी निस्क, सी पल, डी कारसारपण। आपके उत्तर डी कारसारपण। प्रश्न नंबर 70। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन ए कुषाणों का, बी तमिलों एवं चेरों का, सी वाकाटकों का, डी शकों का। आपके उत्तर बी तमिलों एवं चेरों का। प्रश्न नंबर 71। मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? आपके ऑप्शन ए बारवेरिकम, बी बेरी गाजा भड़ौच, सी अरिकामेडू, डी कोचिन। आपके उत्तर डी कोचिन। प्रश्न नंबर 72। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? आपके ऑप्शन ए डेमेट्रियस, बी मिनांडर, सी मिथ्राडेटस, डी गोंडाफर्निस। आपके उत्तर ए डेमेट्रियस। प्रश्न नंबर 73। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? आपके ऑप्शन ए कन्फ्यूशियस, बी डेमेट्रियस, सी मिनांडर, डी कनिष्क। आपके उत्तर सी मिनांडर। प्रश्न नंबर 74। आर्य भारत में संभवतः आए? आपके ऑप्शन ए यूरोप से, बी मध्य एशिया से, सी पूर्वी एशिया से, डी अन्य क्षेत्रों से। आपके उत्तर बी मध्य एशिया से। प्रश्न नंबर 75। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? आपके ऑप्शन ए भास, बी शूद्रक, सी विशाखदंत, डी अश्वघोष। आपके उत्तर सी विशाखदंत। आज के लिए इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।